एबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से रद्द किए जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने, सभी संसद ने, सभी नेताओं ने और मंत्री ने राहुल गांधी के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। सभी ने कुछ न कुछ कहा था, कोई राहुल गांधी के पक्ष में बोले तो कोई राहुल गांधी के विपक्ष में बोले, लेकिन सभी को इंतजार था तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने का। लेकिन हम आपको बता दें, नीतीश कुमार, जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक इस मुद्दे पर, इस मामले पर अपनी चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को जो कोर्ट से सजा मिली है और उनकी जो लोकसभा से सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, उस पे उन्होंने कहा है कि मैं कोर्ट के फैसले के बीच कभी नहीं आऊंगा, ना मैंने पहले कभी कुछ बोला है, ना मैं आगे कभी कोर्ट के फैसले पर बोलूंगा। उन्होंने कहा है कि 17 सालों से मैं सरकार चला रहा हूं, लेकिन कोर्ट के फैसलों पर कभी भी कोई टिप्पणी नहीं दी है और आगे भी नहीं दूंगा। आगे नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के मामले में, आइए आपको सुनाते हैं इस खबर में। कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये सही है। और कभी भी, कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं, बहुत ठीक ढंग से जाँच होना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, आप गौर से देख लीजिए। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई, कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजारे कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं। और आप जानते ही है कि आप दिल्ली में कितना बार, हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो आप आजकल कुछ बोलते नहीं हैं, देखते हैं, तो हम तो ही करते हैं। हम लोगों का 2 बार मीटिंग था, अलग अलग पार्टियों का, सब पार्टियों का मिलकर, तो उस दिन भी हमें कह दिए थे, हम पूछ रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के लोग भी, जो उन लोगों के साथ किसी तरह की कोई कठिनाई है तो उसके लिए तो बोल ही रहे, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, सब जगह। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इसके बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत सभी विपक्ष एकजुट हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जमात लग रहा है। कल प्रधानमंत्री देखिए ना क्या बोलते हैं, वो क्या नहीं बोलते हैं, उनकी आदत सर, तो उसमें हमको क्या करना है, हमको कोई मतलब है, किसको किसको बनाते रहते हैं, देखते नहीं रहते हैं क्या क्या तरह से। वो तो चूंकि आप सब लोगों को एकदम नियंत्रण में कर लिए हैं, इसीलिए